नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जिससे बिहार नगर निगम चुनाव जो है वह लटक सकता है। बिहार में इस साल होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले ही देरी की बात कही जा रही है। बता दें कि इस बार बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अगर नए नगर निकाय क्षेत्र बनाए गए हैं तो कई नगर वार्ड का भी गठन किया गया है। ऐसे में परिसीमन के साथ साथ मतदाता सूची बनाने को लेकर मामला भी जो है अटका हुआ है। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले वार्ड प्रतिनिधियों का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है, लेकिन जून तक चुनाव समाप्त होने की बात नहीं कही जा रही है। साथ ही साथ बिहार में आरक्षित सीटों की संख्या को लेकर भी अभी तक कोई आयोग के पास स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। और इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद से बिहार में नगर निकाय चुनाव में एक नया पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। आगे हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला और उससे बिहार नगर निगम चुनाव का क्या असर पड़ने वाला है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के अनुसार यह कहा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला फंसता नजर आ रहा है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार के संबंध में एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य बिना ट्रिपल टेस्ट कराए हुए ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दे सकती है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से बिहार में भी ट्रिपल टेस्ट करवाना होगा। एक तो पहले ही नगर निकाय चुनाव में देरी की बात कही जा रही थी और अब इधर ओबीसी आरक्षण को लेकर देरी का मसला सामने आ गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से निकाय चुनाव में देरी हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार में अभी तक आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया गया है। मध्य प्रदेश वाले मसले में वहां चुनाव कराने की बात कही गई है, लेकिन ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। ऐसे में अब बिहार सरकार क्या करेगी, यह देखने वाली बात होगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो शिवराज सिंह चौहान ने 51% आबादी को अपनी ओर साधने के लिए मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकाय चुनाव में 27% आरक्षण ओबीसी के खाते में देने का ऐलान कर दिया। एमपी में 15% सीटें यानी कि जो है एससी कैटेगरी के खाते में है, जबकि 20% सीटें जो है एसटी कैटेगरी के खाते में है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट नियम को देखें तो कुल आरक्षण का 50% से ज़्यादा आरक्षण के हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश वाले मसले में मध्य प्रदेश की सरकार ने 51% आरक्षण की सिफारिश कर दिया है, जिसके बाद से कोर्ट ने यह फैसला आया है। यानी कि कोर्ट ने साफ तौर पे 51% आरक्षण का जब मसला दिखा उसके बाद से उन्होंने जो है ओबीसी पे रोक लगा दिया। ऐसे में आइए अब जान लेते हैं ट्रिपल टेस्ट होता क्या है। राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ को कठोर जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जाती है। इसका दूसरा मसला है कि आयोग की सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकाय बार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करता है, ताकि अधिकता का भ्रय यानी कि अधिकता का जो है भ्रम जो है की स्थिति ना हो सके। किसी भी मसले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीट के 50% से अधिक नहीं होगा। इन सब चीज़ों का जो है इसमें ध्यान रखा जाता है। तो ट्रिपल टेस्ट का जो पूरा मसला है उसके चलते जो है एक तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला अटक गया है। वहाँ की सरकार भले ही कह रही हो कि हम ट्रिपल टेस्ट के बिना ही यहाँ पे ओबीसी को आरक्षण दिलाने की बात कहती रही है सरकार, लेकिन अब ये पूरा मसला जो है बिहार में आकर अटक गया है, क्योंकि बिहार में जून के बाद ये कहा जा रहा था कि चुनाव हो सकता है, लेकिन अगर ये ट्रिपल टेस्ट का मामला सामने आता है तो बिहार में भी निकाय चुनाव को लेकर कई अलग बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।